जवाब चाहिए, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। अरे सवालों के जवाब तो मेरे पास ही थे। हेना हेना तुम क्या बोलना चाहते, क्या बोलना चाहते, क्या क्या नहीं समझ आया तुझे? यही समझ में नहीं आया कि जब मैं अद्वैत से मिलने के लिए जेल गया तो मेरे वहां जेल जाने से और मंडप में वापस आने तक मैं जानता हूं कि तेरे साथ क्या हुआ। दोनों माँ बेटी ने मिलकर बनाया था। मां को लगा होगा कि बेटी को एक खिलौना पसंद आ गया, गिफ्ट कर देती हूं। लेकिन सुन, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूं नेमत। मैंने उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। जितनी दूरी तेरे और मेरे बीच में है ना आज, उतनी दूरी हरलीन के और मेरे बीच में। तो हरलीन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है? इस सब में हरलीन की कोई गलती नहीं। तू बता क्या करूंगा शादी का, जो पीठ में खोपे हुए उस खंजर की तरह है, जो सहन नहीं होता। तेरी शादी हो चुकी है हरलीन से और वो पागल तुझसे इंतहा मोहब्बत करती है। मेरी एंगेजमेंट सरताज के साथ हो चुकी है। रब की नेमत है हरलीन, जो रब ने तुझे दिए हमारी मोहब्बत के नाम पर। संभाल के रखो उसे। नहीं चाहिए मुझे रब की नेमत, मुझे मेरी नेमत चाहिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुतों ने लिख ली मेरी कहानी, बहुतों ने कर लिया मेरी जिंदगी का फैसला, कर दिया मुझे मेरे प्यार से दूर। सीने में जो दिल है वो धड़कता है लेकिन महसूस नहीं होता। मैं लिखूंगा अपनी कहानी। क्या हुआ? अरे तो चल मेरे साथ। हरलीन की जिंदगी में कड़वाहट खोल के खुद मैडम जलेबी से मुंह मीठा कर रही थी। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना उससे कि दूर रहना एकम और हरलीन की जिंदगी से, लेकिन तेरे दिमाग में बात नहीं घुसा। था ना मैंने उन दोनों की जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। मैंने प्यार से समझाया था ना तुझे, लेकिन तेरे भेजी में बात तो घुसती नहीं है। इतना तो पानी नहीं पीती हो जितना आंसू बहा देती हो, तो डिहाइड्रेशन ही होगी ना। पानी खूब पिया करो और जो भी दिल में हो वो भी बता दिया करो। बात उस वक्त अधूरी रह गई थी। बोलो क्या बात? डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो हम मिलके सॉर्ट कर लेंगे। बोलोगी? आप कह रहे थे ना आप जो कुछ भी करते हो पूरी शिद्दत के साथ करते हो, तो आप मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे मौका में नहीं रहना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस फेक रिश्ते के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना चाहती हो? जब मैं आपके कहने पर अंधवा उजा के रुक सकती हूँ तो मैं आपके साथ कहीं पे जा भी सकती हूँ। नानू ने आपके साथ रहने की परमिशन दी ना, तो आपके साथ जाने की इजाजत भी दे देंगे। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, आप
आप मुझे संगाला ले चलो, मैं माची को कॉल करती हूँ। हाँ यही सही रहेगा, मैं माची को कॉल करती हूँ, आप मुझे यहाँ से ले चलो, बस मुझे मौका मैं नहीं देना, प्लीज। आप रिलैक्स हो जाओ। हरलीन नेहमत सरताज एकम, इन चारों की किस्मत में ना एक दूसरे के साथ सर खोना ही लिखा है। बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये कंटिन्यूटी ना टूटे, और फिर ना किसी का ध्यान जमीन पे जाएगा और ना ही चैरिटी पे, फिर वो प्रॉपर्टी हम दोनों की। और मुझे हरलीन और नेहमत से बदला भी तो लेना है अपनी बेइज्जती का। सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ। देख मैं अपनी मोहब्बत के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तू मेरी खातिर मुझे बर्बाद कर रही है, दूसरों के लिए मुझे तबाह कर रही है, तू मेरी क्यों नहीं हो सकती, मैं तेरा क्यों नहीं हो सकता? एक बात पूछूं, तू चाहती है ना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, इसीलिए तूने वीरे से शादी के लिए हाँ कर दी। बचपन से जानता हूं तुझे, तेरी हर धड़कन हर सांस को पहचानता हूं, कब क्या तेरे दिमाग में चल रहा है सब जानता हूं। आज मैं तेरे इतने करीब हूँ, इतने करीब कि तेरी सांसों से होते हुए, तेरी धड़कनों से होकर तेरी रूह में समा सकता हूँ मैं। आप लोग भी रेस्ट कीजिए और अंदर जाकर इसे भी रेस्ट करने दीजिए। क्या नाज ठीक कह रही थी? क्या सच में नेहमत सिर्फ एक्टिंग कर रही है सरताज के साथ एकम को मुझसे छीनने के लिए? एक सेकेंड, नेहमत वापस आ गई है तो मतलब बात खत्म? नो वे, नेहमत को बताना पड़ेगा कि एकम कहाँ है, वरना ये अंदर नहीं जाएगी। न्यू मम्मी नशा वशा करती हैं आप? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसे ही लगता है। इसे कैसे पता होगा एकम कहाँ है? इससे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? मुझे पूरा यकीन है कि नेहमत और एकम दोनों एक ही साथ थे। देश में